नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में लेके आ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसमिक ड्रग्स, जो कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती हैं। उनकी क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकली। और ये भी जो क्लासिफिकेशन हमने केडी त्रिपाठी से ली है, तो इसके अंदर हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट्स भी होते हैं, मैंने पहले भी बताया वीडियो में अपनी, कि जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं जो कि क्लासिफिकेशन से होते हैं। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं, जो डायबिटीज़ होती है वो दो तरह की होती है, मोस्टली पता ही होगा, टाइप वन टाइप टू। टाइप वन जो होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, मोस्टली ये बच्चों में पाई जाती है। इसमें इंसुलिन डिपेंडेंट मीन्स होता है कि इनकी बॉडी में बीटा सेल जो होते हैं पैनक्रियास के बीटा सेल्स जो है वो रिलीज ही नहीं कर पाते हैं इंसुलिन को, बिल्कुल भी मतलब इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, या वो अकॉर्डिंग टू जीन्स की वजह से वो बीटा सेल प्रॉपर फंक्शन में नहीं होते हैं, तो इनको इंसुलिन ही चाहिए होती है। और दूसरा होता है टाइप टू, जिसको हम डायबिटी मेलिटस बोलते हैं। ये क्या होता है, इसमें इंसुलिन तो रिलीज़ होते हैं, बॉडी में इंसुलिन भी होता है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, या हमारी डाइट ज़्यादा हो जाती है तो जिसको प्रॉपर उसको जो है यूटिलाइज़ करने के लिए हमारे इंसुलिन काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स हैं हम देखते हैं टाइप टू के लिए हैं, मोस्टली टाइप टू मेलिटस के लिए, जो कि मिडल एज में टाइप टू होती है या एज्ड पर्सन्स में पाई जाती हैं, आफ्टर 40 इयर्स 50 इयर्स 60 इयर्स में। तो इसके अंदर हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं, एनहांस इंसुलिन सक्रीशन। इसके अंदर ये जो एनहांस इंसुलिन सक्रीशन है, सबसे पहले फर्स्ट, तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें ये जो क्लासिफिकेशन के अंदर आएंगे ये इंसुलिन की सक्रीशन को इन्हांस करती हैं। कुछ उसमें ऐसे भी हैं क्लासिफिकेशन जो इंसुलिन को सक्रीशन को इन्हांस नहीं करेंगे, मींस उनको एक्टिवेट नहीं करते इंसुलिन को। तो ये ड्रग्स आती हैं इंसुलिन की सक्रीशन को इन्हांस करते हैं, उसमें सल्फोनाइल यूरिया सबसे पहले है। सल्फोनाइल यूरिया दैट इज़ पोटाशियम ATP चैनल ब्लॉकर, ये इसका मेन रिएक्शन होता है, पोटाशियम ATP चैनल ब्लॉकर। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो इसमें सबसे पहले दो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में आता है हमारा टोलब्यूटामाइड, फर्स्ट जनरेशन में और भी थी क्लोरप्रोपामाइड वगैरह, वो ड्रग्स जो हैं आज के टाइम में यूज़ नहीं होती हैं या उनका रेयर यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो लेस पोटेंसी थी, लेस उनका टाइम था, ड्यूरेशन था, तो इसलिए अब जो गई हैं ड्रग्स उस इसलिए उनको जो है रिप्लेस कर दिया गया है। बट फिर भी टोलब्यूटामाइड जो है आज के टाइम डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। और सेकंड जनरेशन के अंदर, इसके अंदर हमारे पास सल्फोनाइल यूरिया में है ग्लिबन क्लाइमाइड, ग्लाइकलाजाइड, ग्लिमप्राइड मोस्टली सुना ही होता है, मेटफॉर्मिन के साथ हम देते हैं, और ग्लिपिजाइड। ठीक है, तो ये सेकंड जनरेशन है। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया की कौन सी ड्रग होती है, दैट इज़ टोलब्यूटामाइड या क्लोरप्रोपामाइड। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है फार्मासिस्ट के गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, रिपीटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में। तो ये इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन को हमने इम्पोर्टेंस देनी है सबसे पहले फार्माकोलॉजी में। अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेते हैं। पोटाशियम ATP चैनल ब्लॉकर ये काम करती है, होता क्या है, जब हम बॉडी में ग्लूकोज लेते हैं, जब बॉडी में ग्लूकोज जाता है तो ग्लूकोज जो होता है वो हमारे इसोफिगस से होते हुए स्टमक GIT ट्रैक में आता है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ से फिर जो है हमारा जो ग्लूकोज होता है वो पैनक्रियाज में जाता है। जब पैनक्रियाज में जाता है, पैनक्रियाज के अंदर जैसे ग्लूकोज एंटर करता है, ग्लूकोज एंटर करने के बाद वो क्या करेगा, वहाँ पे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज। ठीक है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस में होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में हुआ, फिर उसके बाद वो वहाँ पे बना देता है ATP। क्या बना देगा, ATP बन गया। ATP से फिर आगे क्या होगा, कंटिन्यूसली ग्लूकोज आएगी, ग्लूकोज कंटिन्यू आने से वहाँ पे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कंटिन्यू बनता रहेगा और कंटिन्यू बनेगा और ATP कंटिन्यू वहाँ इकट्ठा होगा, तो ATP जो है वहाँ पे उसकी सेल के अंदर कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। जब ATP इंक्रीज़ होने लगेगा तो वहाँ पे पोटाशियम होता है सेल के अंदर, पोटाशियम, तो वो
ATP बढ़ने से पोटाशियम भी जो है कंटिन्यू इंक्रीज़ होता रहेगा कंसंट्रेशन, क्योंकि वो क्या करेगा, ATP बढ़ने से वहाँ पे पोटाशियम, ATP एक चैनल होता है जो कि ब्लॉक कर देगा उसको, पोटाशियम चैनल को ब्लॉक कर देगा और पोटाशियम जो है कंटिन्यूसली इकट्ठा होता रहेगा इंट्रासेलुलरी। तो पोटाशियम के इकट्ठे होने से क्या होगा, वहाँ पे कैल्शियम गेटेड चैनल होता है, कैल्शियम गेटेड चैनल भी क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, ओपन हो जाएगा सॉरी। और कैल्शियम चैनल जो ओपन हो जाने से कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो है सेल के अंदर बढ़ जाएगी, और ये कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ने से साथ में वहाँ पे इंसुलिन जो कि रिलीज़ होता रहेगा। तो इनडायरेक्टली ये हुआ कि सल्फोनाइल यूरिया ने क्या किया, पोटाशियम चैनल जो होता है वहीं पे डायरेक्ट एक्ट करता है, पोटाशियम चैनल पे उसको ब्लॉक कर देता है। पोटाशियम चैनल को जब ब्लॉक करेगा ऑटोमेटिक पोटाशियम बाहर नहीं जाएंगे, पोटाशियम अंदर इकट्ठे होते रहेंगे। पोटाशियम जब इकट्ठे होंगे अंदर, इंट्रासेलुलरी बढ़ जाएंगे, तो उसकी वजह से कैल्शियम गेटेड चैनल ओपन हो जाता है और कैल्शियम जो है वो अंदर बढ़ जाता है। कैल्शियम जब अंदर इनफ्लो बढ़ेगा इट मीन्स वो इंसुलिन को सिक्रीट करेगा। तो सल्फोनाइल यूरिया का यही मैकेनिज़्म होता है, इसको हमने जस्ट एक शॉर्टली में डिस्कस किया है, इसके बाद में वीडियो बनाएंगे कोई जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे प्रॉपर एक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैगलेनिटाइड एंड फिनाइल एलानाइन एनालॉग, जिसमें दो ड्रग आती हैं रेपाग्लिनाइड एंड नेटेग्लिनाइड। रेपाग्लिनाइड एंड नेटेग्लिनाइड दैट इज़ मैगलेनिटाइड की कैटेगरी में आती हैं, बट इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है वो सेम होता है, दैट इज़ पोटाशियम ATP चैनल ब्लॉकर, वो ब्लॉक कर देता है और जिससे पोटाशियम कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और वो एक्टिवेट कर देगी कैल्शियम चैनल को, ओपन करेगी और कैल्शियम अंदर इन्फ्लक्स करेगा, कैल्शियम बढ़ेगा, कैल्शियम बढ़ने से हमारी इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्लास है दैट इज़ GLP-1 रिसेप्टर एगनिस्ट। GLP रिसेप्टर 1 एगनिस्ट जो होती है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड रिसेप्टर एगनिस्ट, उसमें एग्जांपल है एक्सेटिनाइड, लीराग्लूटाइड, उसमें एक ड्यूराग्लूटाइड भी आ जाता है, ठीक है। ये आजकल बहुत आ गए हैं ग्लूटाइड करके, 4-5 आ गए हैं मार्केट में। और चौथा है DPP-4 इनहिबिटर्स, डाईपेप्टाइल पेप्टाइड 4 इनहिबिटर। ये दोनों का जो है यहाँ पे कोरिलेशन है, इनका कोरिलेशन होता है, ठीक है, वो बताता हूँ मैं कैसे, इनका मैकेनिज्म से हमें पता लगेगा। GLP जो है वो होता क्या है, सबसे पहले हमारे वही सेम ओरली ड्रग, ओरली हमने ग्लूकोज लिया, स्टमक से होते हुए हमारे ये इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होती है। तो इंटेस्टाइन के अंदर जो जेजनम है हमारा, जेजनम में क्या होता है, एपिथीलियम लेयर होती है, एपिथीलियम लेयर के अंदर हमारे वहाँ प्रेजेंट होता है GLP-1 ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड जिसको हम बोल रहे हैं, वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये किसका पार्ट है, दैट इज़ इन क्रिएटिन का पार्ट होता है ये। GLP होता है उसका पार्ट, एक GIP होता है, एक VIP होता है, ठीक है। GIP और VIP का इतना रोल नहीं है डायबिटिक के अंदर, GLP का ओनली रोल होता है, इसलिए हम इसको स्टडी करते हैं या इसके ऊपर ड्रग्स की रिसर्च करते हैं। तो GLP-1 क्या करता है, ये डायरेक्ट हमारे पैनक्रियास के जो सेल्स होते हैं उसमें जाके डायरेक्ट उसमें जाके समझ लो कि पैनक्रियास को बीटा सेल को एक्टिवेट करके इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाता है GLP-1, ठीक है। GLP-1 डायरेक्ट इंसुलिन को बढ़ाता है। तो GLP अगर हम एगनिस्ट देंगे, GLP-1 एगनिस्ट देंगे, इट मींस इंसुलिन को, बीटा सेल के इंसुलिन को इंक्रीज करेंगे सक्रीशन की, ठीक है। अब DPP-4 का क्या काम है, DPP-4 जो है वो ब्रेक डाउन करता है, DPP-4 इसको ब्रेक डाउन करता है या इसका मेटाबोलाइट करता है, ब्रेक करता है उसको, किसको, GLP को। तो DPP-4 एंजाइम जो होता है वो GLP को ब्रेक करता है। अगर हम DPP-4 इनहिबिटर को भी ब्लॉक कर दें, इस एंजाइम को अगर ब्लॉक कर दें तो GLP को ब्लॉक नहीं करेगा, अगर GLP ब्लॉक नहीं होगा तो इट मींस इंसुलिन की सिक्रीशन को कंटिन्यू बढ़ने देगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है समझ में आई होगी थोड़ी सी, इसको हमने सिर्फ यहाँ पे ओरली बोल रहे हैं, रिटन में नहीं लिखा होगा कुछ, बट आपको आइडिया दे रहे हैं जस्ट एक इनका कोरिलेशन, क्योंकि इन दोनों का कोरिलेशन है। इसमें एक चीज़ और भी है GLP में, ये इंसुलिन जो होता है वीकली लगता है, ये इंसुलिन वीकली लगता है, वीकली वंस, और
एक बार लगाने के बाद हफ्ते के बाद उसको कुछ मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है और उसको कोई भी इंसुलिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और ये थोड़ा कॉस्टली बहुत होता है, इसीलिए कॉस्टली भी होता है ये। इनमें एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि इनके अंदर भूख नहीं लगती है, स्टमक में जो हमने खाना खाया होता है वो धीरे धीरे रिलीज़ होता है, तो भूख लगने के चांसेस कम हो जाते हैं इसमें, और वेट जो है बॉडी का लॉस हो जाता है। तो DPP-4 इनहिबिटर्स में कौन कौन सी ड्रग है? सिटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, सेक्सागलिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं आज के टाइम, ये डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। सिटाग्लिप्टिन जनुविया के नाम से आती है, विल्डाग्लिप्टिन, सेक्सागलिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन, ट्रजेंटा के नाम से, ठीक है। तो ये आज के टाइम में बहुत यूज़ हो रही है। इनका काम यही है कि DPP-4 इनहिबिटर्स क्या करता है, एंजाइम होता है GLP को जो ब्रेक करता है, तो DPP-4 को इनहिबिट करेंगे तो GLP ब्रेक नहीं होगा, और GLP ब्रेक नहीं होगा तो हमारा इंसुलिन सेक्रेशन बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है, अब ये कैटेगरी है, ये इंसुलिन को एक्टिवेट नहीं करते हैं, इंसुलिन को एनहांस नहीं करते हैं, बट इनको अपने एक्शन करने के लिए ऑलरेडी इंसुलिन चाहिए बॉडी में, इंसुलिन के बिना ये बॉडी में काम नहीं करते हैं, इसलिए टाइप 1 में ये यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि टाइप 1 में इंसुलिन बनता ही नहीं है, तो बनेगा नहीं, होगा नहीं इंसुलिन, तो ये ड्रग्स भी काम नहीं कर पाती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें हम बिकवानाइड AMP के एक्टिवेटर, ये क्या होता है, AMP के एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर्स इंजाइम्स होते हैं, जो कि लीवर में पाए जाते हैं, ये लीवर में पाए जाते हैं AMP की, AMP को ये एक्टिवेट करता है मेटफॉर्मिन ड्रग्स, मेटफॉर्मिन जो है वो AMP को एक्टिवेट करके हेपाटिक ग्लूकोनियोजेंसिस को इनहिबिट करती है, मींस लीवर के अंदर न्यू ग्लूकोनियोजेंसिस को इनहिबिट करके हमारे ग्लूकोज लेवल को बॉडी में कंट्रोल रखती है, ठीक है। दैट इज़ द मेटफॉर्मिन का मैकेनिज्म आ जाता है, बिकवानाइड्स AMP के एक्टिवेटर्स। और थायाजोलिडोन नेक्स्ट है, थायाजोलिडोन डाइओन, जिसमें है PPARY एक्टिवेटर, पेरोक्सिसोम प्रोलिफ्रेटर एक्टिवेटर, रिसेप्टर गामा एक्टिवेटर, ठीक है। ये कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं हमारे मसल्स में, एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। तो इनका क्या काम होता है, ये इनको PPR मतलब मीन्स पेरोक्सिसोम प्रोलिफ्रेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर गामा पे एक्ट करने के बाद में ये हमारी बॉडी के अंदर जीन ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देता है, जीन ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाने का मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ने से हमारे बॉडी में न्यू प्रोटीन सेल्स बनते हैं, ठीक है, और ग्लूकोज को ये कंट्रोल करते हैं। बट इसमें क्या होता है, तो इसी तरह ये जो हमारा पायोग्लुटेजन काम करता है, ठीक है, पेरोक्सिसोम प्रोलिफ्रेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर गामा पे काम करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मिसलेनियस एंटीबायोटिक एंटीडायबिटिक ड्रग, जिसमें आता है हमारा सबसे पहले अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स। अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स में क्या होता है, ये एक एंजाइम्स होता है ग्लूकोसिडेज, जो कि क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को हमारे सिंपलस शुगर में कन्वर्ट करता है, सिंपल शुगर में, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है ग्लूकोसिडेज। तो ग्लूकोसिडेज जब इंजाइम नहीं होगा या रुक जाएगा तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल शुगर नहीं होगी, सिंपल शुगर नहीं होगी तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी तो ब्लड में जो हमारा ग्लूकोज लेवल जो है वो डाउन रहेगा। बट इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि कॉम्प्लेक्स शुगर हमारी बॉडी में एज इट रह जाएगी, अगर हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्स शुगर एज इट इज रह जाएगी तो वहाँ पे फर्मेंटेशन या बैक्टीरिया जो बॉडी में होते हैं उसको वो खाने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा हमारी बॉडी के अंदर फ्लैचुलेंस या बाउल सिंड्रोम हो जाएंगे, इसलिए ये इन ड्रग्स उनको नहीं दी जाती है, ठीक है। तो अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स की एग्जांपल है कारबोस, मिजलिटोल, वोग्लिबोस, एकारबोस, मिजलिटोल एंड वोग्लिबोस। नेक्स्ट है अमाइलिन एनालॉग, अमाइलिन एनालॉग में आएगा प्रेमलिनिटाइड, ठीक है, प्रेमलिनिटाइड। नेन है डोपामिन D2 रिसेप्टर एगनिस्ट, दैट इज़ ब्रोमोक्रिप्टिन, ब्रोमोक्रिप्टिन जो है हमारा पार्किंसन में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, ब्रोमोक्रिप्टिन जो है हमारा पार्किंसन में भी यूज़ किया जाता है, जो कि डोपामिन रिसेप्टर एगनिस्ट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा SGLT2 को ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स, ये क्या होते हैं,
सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट टू इनहिबिटर्स। ये होते कहाँ हैं? ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स नेफ्रॉन्स में, प्रॉक्सिमल ट्यूब कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स नेफ्रॉन में जो होता है वहाँ पे होते हैं ये। वहाँ पे SGLT2 क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो फिल्ट्रेशन होती है यूरिन की, यूरिन की फिल्ट्रेशन में ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करता है, ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करता है। तो ये जब अगर इनहिबिट कर देंगे तो हमारी बॉडी के अंदर इनहिबिट होने से ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब नहीं होगा और जो ग्लूकोज है वो हमारा डायरेक्टली यूरिन में फ्लो कर जाएगा, दैट इज़ ग्लूकोज बॉडी के बाहर हो जाएगा। तो ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब नहीं करेगा तो बॉडी में ब्लड में हमारा ग्लूकोज जो है जाएगा नहीं, लेवल डाउन हो जाएगा, यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा। तो उसको याद करने का तरीका देख लेते हैं। डेपाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, रेमोग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन। ग्लीफ्लोजिन ग्लूकोज, ग्ली मीन्स ग्लूकोज, फ्लो मीन्स फ्लो, जिन मन इन, इन मतलब इन यूरिन। तो ग्लूकोज फ्लो इन यूरिन, दैट इज़ जो ग्लूकोज है वो यूरिन में पास आउट हो गया है। तो आपको ये आई थिंक समझ आ गया होगा। क्लासिफिकेशन दोबारा रिपीट कर लेते हैं एक बार कि इन्हांस इंसुलिन सक्रीशन के अंदर हमारे जो इंसुलिन सक्रीशन है वो बढ़ जाती है, मींस उनको एक्टिवेट करते हैं, जिसमें सल्फोनाइल यूरिया आ जाता है सबसे पहले, जिसमें फर्स्ट जनरेशन टोलब्यूटामाइड, सेकंड जनरेशन ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लाइकोलाइड, ग्लिमप्राइड, और उसमें नेक्स्ट है मैगलेनिटाइड, जिसमें रेपाग्लिनिटाइड, नेटेग्लिनिटाइड, देन ग्लूकागोन GLP रिसेप्टर एग्निस्ट। ये इंजेक्शन की फॉर्म में ही आते हैं, टैबलेट फॉर्म में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि अगर हम इनको GLP को डायरेक्ट ओरली रूट से लेंगे तो वहाँ पे हमारे DPP-4 इमीडिएटली विद इन 1-2 मिनट में इसको मेटाबोलाइज कर देंगे और ये जो है एक्शन कर ही नहीं पाएगा GLP, इसलिए हम इसको इंजेक्शन रूट के थ्रू देते हैं, जिसमें एग्जांपल है एक्सेनिट्राइड एंड लिराग्लूटाइड। देन DPP-4 इनहिबिटर्स जो होते हैं, जिसका अंदर मतलब होता है डाइपेप्टाइल पेप्टिडाइज इनहिबिटर, जो कि GLP को ब्रेक डाउन करता है एंजाइम, तो उसकी ड्रग्स आ जाती हैं सिटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, सेक्सा एलो एंड लीनाग्लिप्टिन। और इंसुलिन को जो सक्रीट नहीं करते हैं या इन्हांस नहीं करते हैं, बट एक्शन जो होता है वो उनका एक्टिवेट करते हैं, इंसुलिन को एक्टिवेट करते हैं ऐसे कह सकते हैं। तो जिसमें आएगा बिकोनेट्स में मेटफॉर्मिन, पर इनको काम करने के लिए बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन चाहिए होता है, जिसमें मेटफॉर्मिन, थायाजोलिडोन डाइओन में पायोग्लिटाजोन, जिसमें पेरोक्सिसोम प्रोलिफ्रेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर गामा, ठीक है। देन मिसलेनियस एंटीबायोटिक एंटीडायबिटिक ड्रग्स जो है उल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर, मैगलिटोल, वोग्लिबोस, एकारबोस, ठीक है। अमाइलिन में प्रेमिलिनिटाइड, डोपामिन में ब्रोमोक्रिप्टिन, सोडियम में, ये याद रखनी में इंपॉर्टेंट, SGLT2 आज के टाइम में बहुत यूज़ हो रही है ड्रग्स, SGLT वाली, DPP-4 वाली और GLP वाली, जिसमें एग्जाम्पल है टेपाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, रोमीग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, ठीक है दोस्तों। यही थी हमारी आज की वीडियो, थैंक यू दोस्तों।